निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? तो आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें बताना है कि इन दोनों विधियों में से कौन सी अधिक उपयुक्त है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से। पहले क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख लेते हैं। 3x माइनस का 5y बराबर है 4 के, और 9x माइनस का 2y बराबर है 7 के। तो हमने थोड़ा सा सोल्व करके लिख लिया है क्वेश्चन को, जिसमें आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3x माइनस का 5y बराबर है 4, क्वेश्चन नंबर पहली है। दूसरी क्वेश्चन है 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 है, क्वेश्चन नंबर दूसरी है। आपको x या y और y की वैल्यू को एक जैसा लेके आना है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं इक्वेशन नंबर एक को 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, दोनों वैल्यू कट जाएंगी, एक्स की वैल्यू कट जाएंगी, तो वाई का मान मेरे पास आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इस पूरी इक्वेशन को, 3 से गुणा करें, 3 × 9 x हो जाएगा, 5 × 15 y हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर पहली। इक्वेशन नंबर दूसरी में हमें कोई भी चेंज नहीं किया है, हम उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मेरे पास माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा माइनस। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 9x प्लस का 9x माइनस का तो कट जाएगा। अगली वैल्यू है मेरे पास माइनस का 15y प्लस का 2y बराबर है 12 माइनस 7 के। सोल्व कर लेते हैं, 15 में से 2 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा माइनस का 13y बराबर है, 12 में से 7 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा सिर्फ यहाँ पर 5। y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5 / -13, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5/13। ये माइनस का नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। इस y की वैल्यू को मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर एक के अंदर। लिख देते हैं y का मान इक्वेशन एक में रखने पर 3x - 5 × मेरे पास y की वैल्यू है -5/13 बराबर है 4 के। तो ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों गुणा होंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस, 5 और 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बस आएगा 25/13 बराबर है 4। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर प्लस में इधर आके हो जाएगी माइनस में, यानी कि 3x की वैल्यू हो जाएगी 4 - 25/13, बटे में कर देंगे एक, वैल्यू कर लेंगे सोल्व, यानी कि 3x बराबर मेरे पास आ जाएगा 13 को 1 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 13 को 4 से गुणा करूँगा 13 × 26 = 52 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 25। ये माइनस कैसे नहीं है 25, मैंने कोई चेंज नहीं कराया इसके अंदर, क्योंकि हमें 1 से गुणा करना है 25 को, तो हमारे पास 25 ही रहेगा। 52 में से 25 जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 27/13। ये 3 यहाँ गुणा में है, इधर आगे हो जाएगा भाग में, तो वैल्यू मेरे पास कट जाएगी 9 पे, जो x की वैल्यू मेरे पास आई है 9/13 आई है, और y की वैल्यू हमारे पास आई है -5/13। अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि इक्वेशन नंबर पहले हम ले रहे हैं ये वाली, 3x - 5y = 4 इक्वेशन नंबर पहली। इक्वेशन नंबर दूसरी हम ले रहे हैं यहाँ से, 9x - 2y = 7 की इक्वेशन नंबर दूसरी है। हमें 2 से भाग करना आसान होता है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 7 माइनस का ये 9x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का ये 2y है। पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से गुणा कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 और ये प्लस का हो जाएगा 9x।
यानी कि सभी के साइन मेरे पास चेंज जाएंगे। दो यहाँ पर मेरे पास है, गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, और मैं 9x को भी पहले लिख लेता हूँ, 7 को बाद में लिख लेता हूँ, जिससे मेरे पास लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आई है 9x-7/2। इस y की वैल्यू को मैं रख दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास x का मान आ जाएगा। इक्वेशन 2 से y का मान रखने पर तो 3x-5 गुना में ये पूरी इक्वेशन आएगी, 9x-7/2 बराबर मेरे पास है 4 के। तो हम वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, ये मेरे पास 3x-, हम इस वैल्यू को 5 से गुना करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 9×5=45। एक्स माइनस का साइन है तो ये मेरे पास रहेगा माइनस का, इस वैल्यू को गुना करूँगा मैं इस वैल्यू से, 7×5=35 हो जाएगा, भाग में मेरे पास 2 है बराबर मेरे पास है 4। अगर मैं आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट समझाने के लिए। सिर्फ मैंने 5 से गुना किया है, ना कि माइनस 5 से गुना किया है। माइनस माइनस का गुना जब होएगा जब मैं इस 2 को सोल्व करूँगा, बटे में लिख देता हूँ 1, जिससे कि ये माइनस पूरी वैल्यू से गुना हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 2, 2 को 3 से गुना करूँगा मेरे पास 3x आएगा, ये माइनस का साइन है। 1 को इस पूरी वैल्यू से गुना करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, बराबर है मेरे पास 4 के। अब ये माइनस इस पूरी वैल्यू से गुना होगा, ना कि यहाँ पर गुना हो रहा था इसके अगले स्टेप में। चलो दोस्तों सोल्व कर लेते हैं, मेरे पास है 6x-45x-+ हो जाएगा तो 35 आ जाएगा। 2 यहाँ पर मेरे पास भाग में था, यहाँ पर हो जाएगा गुणा में, यानी कि 4×2=8 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 8 लिख रहा हूँ। तो हमारे पास बचेगा माइनस का 39x, ये 8 है, यहाँ पर प्लस का 35 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 35। 35 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 27, यहाँ है मेरे पास एक्स, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 39। ये पूरी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास गुणा में इधर आके हो जाएगी भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3×27, 3×1=9, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/13। इस एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास वाई का मान आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स का मान रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा 9 गुना में ये पूरी वैल्यू चली जाएगी मेरे पास x की, माइनस का 7 भाग में मेरे पास है 2। तो सोल्व कर लेंगे तो 9×81 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी इस 81/13 माइनस का 7 भाग में मेरे पास है 2, बटे में 1 लिख देंगे तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी, 13 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 13, 1 को 81 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 81-7 को 13 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 7×21, 2×7=8×9, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 91, बटे में मेरे पास 2 चल ही रहा है। तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 81 में से 91 जाएंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का 10 भाग में आएगा 13/2, बटे में 1 कर देता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास है भाग में ऊपर चले जाएगी गुणा में, यानी y की वैल्यू हो जाएगी -10/13, ये मेरा 2/1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, तो ये मेरे पास कट जाएगा 5 पे, तो y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -5/13। आपने देखा कि x की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, y की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। फिर आपको आंसर बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आपका आंसर होगा विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ रही है।